आज की पॉजिटिव स्टोरी 25 साल की यंग एंटरप्रेन्योर अर्शी खान की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली अर्शी ने अपनी सेविंग्स के 25,000 रुपए से कॉलेज खबरी नाम के एक ऑनलाइन करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जहां स्टूडेंट्स को बेहतर करियर विकल्प चुनने में मदद की जाती है। आज उनके इस स्टार्टअप में 25 लोगों की टीम काम कर रही है। 3 साल पहले शुरू हुए इस स्टार्टअप का आज सालाना टर्नओवर करीब 75 लाख रुपए है। कॉलेज का भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ वीडियो प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अलग अलग तरह की वीडियोस बनाते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू फाइंड अ राइट करियर। देन उसके बाद जब वो करियर शॉर्टलिस्ट कर लेता है तो ऑब्वियसली उस करियर को ऑप्ट करने के लिए कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, भले वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की, भले वो लॉ हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उन कॉलेजेस में इनरोल करने के लिए हेल्प करते हैं। कई तरह की स्कॉलरशिप्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। वी आर द फर्स्ट इन द मार्केट हु चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर डूइंग द काउंसलिंग प्रोसेस टू गेट इनटू कॉलेजेस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, NITs, IIITs, इसमें जाने के लिए हम काउंसलिंग चार्ज करते हैं। बाई डूइंग दिस वी लास्ट ईयर वी जनरेटेड 30 लाख रुपीज, एंड हमारा जो इस साल का रेवेन्यू था दैट वॉज नियरली अबाउट, यू नो, अगर हम बात करें दैट वॉज अराउंड 75-80 लाख। भले ही 3 साल में अर्शी के स्टार्टअप का टर्नओवर 75 लाख रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन उनका यहां तक का सफर इतना आसान नहीं था। 12वीं के बाद अर्शी को VIT वेल्लोर में एडमिशन मिला, लेकिन उसी वक्त पिता की तबीयत खराब होने की वजह से अर्शी ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। साल भर बाद बीमारी के चलते उनके पिता का निधन हो गया। ऑब्वियसली जब वो साथ थे तो हर चीज वाज वेरी 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 इजी, बट जब उनकी डेथ हुई तो मुझे रियलिटी पता चली कि लाइफ में इतने स्ट्रगल्स होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीइंग अ पेरेंट, यू नो, वो अपने बच्चों को रियलाइज होने ही नहीं देते हैं। अब अर्शी के जहन में 2 ख्याल थे, पहला पढ़ाई पूरी करना और दूसरा अपना बिजनेस शुरू करना। इसी दौरान अर्शी की मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त रॉथर से हुई। अर्शी की पढ़ाई को लेकर रॉथर ने उन्हें बताया कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम हैं, जिसमें पूरी ट्यूशन फीस तक माफ हो जाती है। ये सुनकर अर्शी को लगा कि अब वो अपनी पढ़ाई अपने बलबूते पर पूरी कर सकती हैं, और उन्होंने भोपाल के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। साथ ही उन्होंने अपने जैसे लोगों की मदद के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू करने का प्लान किया। I discussed कि you know, अगर ये ऐसा आइडिया है और मैं चाहती हूँ कि हम इसको एग्जीक्यूट करें, why not to help students and also at the same point of time कि हम उससे रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे जैसे कई सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। हमने एग्जीक्यूट किया, मैंने और पैसा जोड़ा, वी स्टार्टेड विद यू नो हार्डली, इफ वी से हार्डली 25-30,000। इस बीच अर्शी ने खुद से सवाल किया कि वो आखिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्यों कर रही हैं, लिहाजा उन्होंने दोबारा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। Why dropped my engineering? Not because मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, but because आई थिंक मुझे वो करना चाहिए जिसमें मैं अच्छी हूँ। तो वी स्टार्टेड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड कॉलेज का भी, वेयर वी कैन हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड अ बेटर करियर पाथ। अर्शी का मानना है कि ऊपर वाला आपको ऐसी पेंसिल देता है जिसमें शार्पनर नहीं होता। पेंसिल आपका स्किल है जिसे आपको समय समय पर शार्प करते रहना चाहिए, ताकि आप उस पेंसिल को यूज कर सको। अर्शी कहती हैं कि जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए एक स्किल को आइडेंटिफाई करो और उसे शार्प करते रहो, तभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।